हेलो क्लास uh, चलिए नेक्स्ट लेक्चर uh, को देखते हैं अब यहाँ पर हम लास्ट uh, लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव का लैपलाज इन्वर्स निकाला जा सकता है तो हम उसे सॉल्व करें इस कड़ी में हम लोगों ने लॉग से रिलेटेड प्रॉब्लम देखे थे अब हम प्रॉब्लम यहाँ पर लेंगे कुछ प्रॉब्लम जहाँ पर टैन इन्वर्स या फिर कॉट इनवर्स होगा तो so, जैसे लैपलाज इन्वर्स ऑफ पहला प्रॉब्लम मैं ले लूँ लैपलाज इन्वर्स ऑफ यहाँ पर लेप्लास इन्वर्स ऑफ टेन इनवर्स ऑफ टू डिवाइड बाय एस स्क्वायर ओके ये मैं प्रॉब्लम ले लेता हूँ तो यहाँ पर आ, इसका लेप्लास इन्वर्स निकालना है तो माइनस वन अपॉन टी लेप्लास इन्वर्स ऑफ इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स मतलब ये हो जाएगा टू अपॉन एस स्क्वायर whole square into d by ds of <coughs> two upon s square. Okay, so this is equals to minus one divided by t. Laplace inverse one divided by one plus four divided by s power four into two into वन अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन एक्स पावर एन का डेरिवेटिव होता है माइनस एन अपॉन एक्स पावर एन प्लस वन तो ये हो जाएगा माइनस टू अपॉन एस पावर थ्री ओके सो फाइनली दिस विल बी इक्वल टू माइनस वन डिवाइड बाई टी लैपलाद इनवर्स यहाँ पर वन डिवाइड बाई ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा एस पावर फोर प्लस फोर होल डिवाइड बाई एस पावर फोर मल्टीप्लाइड बाय ये होगा माइनस फोर डिवाइड बाय एस क्यूब ओके सो दिस इज इक्व टू माइनस वन डिवाइड बाय टी लैपलाज इनवर्स ये जो एस पावर फोर है ये न्यूमरेटर में लिख सकते हैं एस पावर फोर डिवाइड बाय एस पावर फोर प्लस फोर इंटू माइनस फोर डिवाइड बाय एस क्यूब सो यहाँ पर एस क्यूब और ये कैंसिल

प्लस टू ए बी टर्म मिसिंग है तो प्लस टू टाइम्स एस स्क्वायर इंटू टू मतलब टू टाइम्स मिस ये हो जाएगा फोर एस स्क्वायर ये टर्म ऐड करेंगे और ये फोर एस स्क्वायर सब ट्रैक्ट भी कर देंगे ओके तो ये ये तो देखिए एडजस्टमेंट है ये एडजस्टमेंट है और क्या एडजस्टमेंट है तो ये यहाँ पर देखेंगे माइनस वन अपॉइंट टी इनवर्स ये माइनस फोर एस डिवाइड बाई ये हो गया आपका एस स्क्वा ये जो तीन टर्म है एस स्क्वायर प्लस टू द होल स्क्वायर माइनस ये टू एस द होल स्क्वायर ओके सो अगेन ऐसे क्लब किया जाए तो ये हो जाएगा मतलब क्लब किया जाए या हम कह सकते हैं फैक्टर के फॉर्मेट में इसे लिख सकते हैं माइनस फोर एस डिवाइड बाई एक फैक्टर होगा आपका एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस टू और दूसरा एक फैक्टर होगा एस स्क्वायर माइनस टू एस प्लस टू ओके सो ये दो फैक्टर हो गए टेन टेनवर्स टू अपॉन एस स्क्वायर को हमने सिम्प्लीफाई किया तो फाइनली ये इस तरह से हमें मिला अब यहाँ पर इसके बाद क्या इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन से इसे हम अलग कर सकते हैं ठीक है पार्शियल फ्रैक्शन तो पार्शियल फ्रैक्शन से इसे अलग करते हैं एज ए टू माइनस वन टी एंड टू लैपलाज इनवर्स देखिए थोड़ा स्मार्ट वे मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से इसे अलग करना चाहिए यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में एक तरफ तो हो जाएगा हमारा एस स्क्वायर एक तरफ हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस टू और एक तरफ हो जाएगा हमारा एस स्क्वायर माइनस टू एस प्लस टू तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमें सिर्फ फोर एस वाले टर्म चाहिए तो फोर एस वाले टर्म चाहिए तो दैट मीन्स बीच में आपको एक माइनस साइन देना होगा तो यहाँ पर मैं माइनस साइन ले लेता हूँ अब यहाँ पर अगर मैंने वन लिखा यहाँ पर वन लिखा तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो योगा एस स्क्वायर माइनस टू एस प्लस टू माइनस योगा एस स्क्वायर माइनस टू एस माइनस टू तो एस स्क्वायर और टू आपका कैंसिल हो जाएगा और माइनस टू एस माइनस टू एस माइनस फोर एस मिल जाएगा जो यहाँ पर दिया हुआ है तो ये देखिए ये काफ़ी स्मार्ट वे था ऐसे प्रॉब्लम में पार्शली इसको अलग अलग करना सेपरेट करना ओके तो आपकी बुक में भी देखेंगे तो कभी कभी इस तरह से डायरेक्ट कर दिया जाता है तो ये डायरेक्ट करने का तरीका है अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आता है तो आप वही पुराना तरीका यूज़ कर सकते हैं ए एस प्लस बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस टू माइनस तो ये थोड़ा प्रॉब्लम लेंदी हो जाएगा बट आपको आंसर डेफिनेटली मिल जाएगा अब चलिए यहाँ पर लैप्लाज इन्वर्स इसका अगर हमें फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर ये माइनस वन अपॉन टी ये लैप्लाद इनवर्स अब ये जो है ये इसे हम लिख सकते हैं एस प्लस वन द होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर वन हो जाएगा माइनस वन अपॉन एस माइनस वन द होल स्क्वायर प्लस <clears> वन <throat> तो फिर से यहाँ पर फर्स्ट शिफ्टिंग थेम अप्लाई करेंगे फिर से मतलब अभी तक हमने किया ही नहीं है फर्स्ट शिफ्टिंग थेम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये होगा ई पावर माइनस टी इंटू लैप्लाज इन्वर्स ऑफ वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन माइनस ई पावर टी इंटू लैपलाज इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन ओके तो so, ये हो गया हमारा माइनस वन डिवाइड बाई टी इंटू यहाँ पर लपलाद यूनिवर्स ऑफ वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन क्या होता है साइन टी होता है तो ई पावर माइनस टी इंटू साइन टी माइनस ई पावर टी इंटू साइन टी सो ये माइनस को भी हम बाहर ले लेते हैं तो so, ये हो जाएगा वन डिवाइड बाई टी इंटू यहाँ पर साइन टी साइन टी को कॉमन लिया जा सकता है तो साइन टी को कॉमन ले लेते हैं वन डिवाइड बाई टू इंटू साइन टी इंटू यहाँ पर जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव ई पावर टी माइनस ई पावर माइनस टी अब ये ध्यान से अगर देखें तो ये हाइपरबोलिक टी अगर हम साइन हाइपरबोलिक टी की बात करें तो साइन हाइपरबोलिक टी होता है ई पावर टी माइनस ई पावर माइनस टी डिवाइड बाई टू तो इसे अगर आप लिखना चाहें तो इसे आप लिख सकते हैं टू टाइम्स साइन हाइपरबोलिक टी तो ये हो जाएगा इंटू टू टाइम्स साइन टी तो बेसिकली फाइनली हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आंसर है टू डिवाइड बाई टी इंटू साइन टी इंटू साइन हाइपरबोलिक टी, दिस इज़ योर आंसर ओके दिस इज़ योर परफेक्ट आंसर राइट गुड वंडरफुल ओके सो काफ़ी थोड़ा सा टीडीएस प्रॉब्लम लगा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम लगा चलिए एक प्रॉब्लम और कर देंगे जो टेन इन्वर्से से ही रिलेटेड है तो यहाँ पर लैपलाज इनवर्स ऑफ हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे टेन इनवर्स ए डिवाइड बाई एस सो so, यहाँ पर दिस इज इक्वस टू पहली बात माइनस वन अपॉन टी इंटू लैपलाज इन्वर्स डेरिवेटिव ले लेंगे इसका तो डेरिवेटिव हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस ये होगा ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर फिर ए अपॉन एस का डेरीवेटिव लेंगे तो ये होगा माइनस ए डिवाइड बाई एस स्क्वायर ओके सो दिस इज इक्व टू माइनस वन डिवाइड बाई टी इंटू लैपलाज इनवर्स यहाँ पर ये एस स्क्वायर न्यूमरेटर में लिखेंगे डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई किया था तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू माइनस ए डिवाइड बाई एस स्क्वायर सो ये जो एस स्क्वायर है और ये एस स्क्वायर है कैंसल और ये हो गया माइनस वन डिवाइड बाई टी लपलाद इनवर्स ये माइनस को भी बाहर ले लेते हैं सो लपलाद इनवर्स यहाँ पर ये यह हो गया ए डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर

सो so, यहाँ पर ये यह हो जाएगा माइनस वन डिवाइड बाई टी इंटू लैपलाज इन्वर्स ऑफ कॉट इन्वर्स कॉट इन्वर्स का क्या होगा कॉट इन्वर्स का डेरिवेटिव अगर हम करेंगे तो जैसे टेन इन्वर्स का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है वैसे ही कॉट इन्वर्स का डेरिवेटिव अगर हम करें तो कॉट इन्वर्स का डिरेवेटिव होता है माइनस वन अपॉन वन प्लस तो यहाँ पर ये एस प्लस वन का स्क्वायर वन प्लस एस प्लस वन का स्क्वायर टू डेरिवेटिव ऑफ एस प्लस वन करेंगे तो ये तो बन आ जाएगा तो यहाँ पर ये हो गया ये माइनस को बाहर निकाल लेते हैं ये हो गया वन अपॉन टी यहाँ पर ई पावर माइनस टी इंटू प्लास फर्स्टिंग थे अप्लाई किया वन अपॉन वन प्लस एस स्क्वायर या एस स्क्वायर प्लस वन तो ये हो गया वन डिवाइड बाई टी इंटू ई पावर माइनस टी इंटू साइन टी सो वन अपॉन टी इंटू ई पावर माइनस टी इंटू साइन टी ये हमारा आंसर और लगे हाथ फाइनली एक और प्रॉब्लम टेन इनवर्स लैपलाद इनवर्स ऑफ टेन इनवर्स एस प्लस ए अपॉन बी सो दिस इज इक्व टू यहां पर ये होगा माइनस वन डिवाइड बाई टी इन टू इनवर्स ऑफ इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे वन अपॉन वन प्लस यहाँ पर ये यह हो जाएगा s प्लस ए डिवाइड बाई बी का स्क्वायर करेंगे इंटू डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पर s प्लस ए डिवाइड बाई बी को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा वन बाई बी इंटू एस का वन हो जाएगा और एक का तो ज़ीरो हो जाएगा तो ये डेरीवेटिव एडिक्वस टू ये माइनस वन डिवाइड बाई टी इंटू लैपलावर्स यहाँ पर ये यह हो गया वन डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस एस प्लस ए या फिर बी स्क्वायर प्लस एस प्लस ए और न्यूमरेटर में यहाँ पर ये बी स्क्वायर आ जाएगा ठीक है कर सकते हैं इन टू वन अपॉन बी सो ये एक बी और ये एक बी कैंसिल यहाँ पर एस प्लस ए का स्क्वायर है अब एस प्लस ए का स्क्वायर तो ये हो गया इथिक्स टू माइनस वन डिवाइड बाई टी इन टू ये एस प्लस ए को एस में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो फर्स्ट शिफ्टिंग थेरे में अप्लाई करेंगे ई पावर माइनस ए टी इंटू लैपलाद इनवर्स यहाँ पर आपका होगा बी डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये क्या होगा साइन बी टी होगा सो दिस इज फाइनली माइनस वन डिवाइड बाई टी इंटू ई पावर माइनस ए टी इंटू साइन ऑफ बी टी ओके सो माइनस वन डिवाइड बाई टू इंटू ई पावर माइनस ए टी इंटू साइन बी टी परफेक्ट सो ये कुछ प्रॉब्लम हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए जो आपके टेन इनवर्स कॉट इनवर्स से रिलेटेड थे एक और प्रॉब्लम लैपलाज इन्वर्स ऑफ यहाँ पर कॉट इनवर्स एस ले लेते हैं। सो ये हो जाएगा माइनस वन डिवाइड बाई टी इंटू लेप्लाज इन्वर्स यहाँ पर इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेरिवेटिव होगा इसका माइनस वन अपॉन वन प्लस एस स्क्वास टू माइनस वन डिवाइड बाई टी और uh, ये माइनस माइनस ये प्लस ले लेंगे और ये तो हो जाएगा आपका साइन टी ओके सो काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम तो देखिए जब भी आपको लॉग या फिर टेन से रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं तो प्रॉब्लम से आपको घबराना बिल्कुल नहीं है प्रॉब्लम एकदम सिंपल होंगे दे आर वेरी वेरी सिंपल राइट ओके चलिए तो ठीक है आज का यहाँ पर हम लेक्चर स्टॉप करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो कुछ नए लपलाद यूनिवर्स के बारे में चर्चा करेंगे ठीक है चलिए थैंक यू